हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसिपी बुक में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड केक बनाने की रेसिपी। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करने से बनाना। घर पर केक तैयार करने के लिए हमें चाहिए इसके लिए व्हाइट ब्रेड। हमें इसके लिए 12 स्लाइसेस ऑफ व्हाइट ब्रेड चाहिए। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकती हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। तो अभी हम इस ब्रेड को लेकर इनको सभी साइड से इस तरीके से कट करेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से पहले सभी साइड से कट करके दिखा रही हूँ। तो याद रखें, आप इन ब्रेड के चारों साइड को इस तरीके से कट ना करें। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से हमारा काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। तो मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। इसके लिए आप इस ब्रेड को इस तरीके से ले लें और इस ब्रेड के सिर्फ दो साइड को इस तरीके से कट कर दें। इस तरीके से हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। और इसी तरीके से हम और भी सभी ब्रेड को कट कर लेंगे। सभी ब्रेड के दो दो साइड को इस तरीके से कट कर दें। तो अभी हमने सभी ब्रेड की साइड को कट करके रेडी रख लिया है। और इसी तरीके से जो बची हुई साइड है, आप चाहें तो इनसे ब्रेड क्रम्स भी बना सकती हैं। और इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी हम इसमें से चार स्लाइसेस को ले लेंगे और इन्हें इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। अभी आपके घर पर कोई भी एक गोल बर्तन हो, उसे इसके ऊपर इस तरीके से रख दें और हल्का सा प्रेस करें और नाइफ से जितनी भी साइड हैं उन्हें कट कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड कट कर तैयार हैं। इस तरीके से हमारा जो ब्रेड का बेस है वो बहुत ही इजीली बनकर तैयार होगा। इसके लिए आपको ना तो मैदा की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही गैस और ना ही ओवन। इससे आप बहुत ही झटपट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सभी पीसेस को इस तरीके से कट कर लें। तो मैंने अभी सभी ब्रेड स्लाइसेस को कट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए एक बोल में एक बड़े चम्मच जितना पानी ले लें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जितनी शुगर। और साथ ही हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे वनीला सेंस। तो थोड़ा सा वनीला सेंस डाल दें, 1 ड्रॉप जितना, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साइड से रख देंगे। तो अपना केक बनाकर तैयार करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप व्हिप्ड क्रीम घर पर कैसे बनाएं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। तो अब हम इसके लिए केक बनाकर तैयार करते हैं। तो थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम को इस तरीके से नीचे लगा दें। और अभी हमने जो ब्रेड स्लाइसेस कट करके रखी हुई थी, उनमें से 4 ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से लगा देंगे। और अब हम इस पर शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप को लगाने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम। तो मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम को पहले से ही एक कीप में डाला हुआ है। आप चाहें तो इसे एक स्पैचुला की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो नाइफ से हल्का सा सेट कर दें। और अभी हम फिर से इस पर ब्रेड लगाएंगे। तो उसी सेम प्रोसेस को आपको 3 बार रिपीट करना है। पहले ब्रेड स्लाइस, फिर शुगर सिरप और फिर व्हिप्ड क्रीम इस तरीके से लगाएं इसके ऊपर। आप चाहें तो इस प्रोसेस को 3 से 4 बार और भी रिपीट कर सकते हैं, जितना भी बड़ा आप केक बनाना चाहें। तो ऊपर से भी इसी तरीके से व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे। व्हिप्ड क्रीम का अमाउंट आप पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो थोड़ी व्हिप्ड क्रीम लगाकर भी इस केक को सेट कर सकते हैं। ऊपर से सेट करने के बाद सभी साइडों से भी व्हिप्ड क्रीम को लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें एक चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते हैं। हल्की चॉकलेट को व्हिप्ड क्रीम में मिक्स कर दें, उससे इसमें काफ़ी अच्छा चॉकलेट फ्लेवर आएगा। पूरे ब्रेड को के ऊपर व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से सेट कर लें इस तरीके से। तो अभी मैंने इस केक के ऊपर व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब हम इसे हल्का चॉकलेट फ्लेवर देंगे ऊपर से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट को थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितनी हॉट व्हिप्ड क्रीम। इसे मिक्स करेंगे। इसे लगातार मिक्स करने के बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे जो हमारी डार्क चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो
तो अब हम इस मेल्ट हुई डार्क चॉकलेट को उस केक के ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके का एक स्टैंड लगा लें पहले नीचे, और इसके ऊपर इस केक को रख दें, और अभी हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी उसे इसके ऊपर डाल देंगे। आप केक को अपनी इच्छा अनुसार जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे भी डेकोरेट करना चाहें इसे। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है, तो अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, जिससे आप बस 10 मिनट में ही एकदम झटपट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस न्यू ईयर पर आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करें। तो है ना फ्रेंड्स, इसे घर पर बनाना कितना आसान, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और साथ ही अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।